शिफ्ट में बिल्डिंग मामन हूँ और यहाँ पे मैं मुझे हाजियों की खिदमत और इनके मसाइल के हल के लिए तैनात किया गया। यहाँ पे मोस्टली जाजी कराम आते हैं और हम उनसे क्वेश्चन करते हैं खाने के बारे में, इनके कमरों के कुछ मसाइल होते हैं उसके बारे में हम उनका मसाइल हल करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो रियात जन्ना के लिए उनके लिए तशरीह का होता है वो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं किस टाइम पर जाना है और किस टाइम पर हमें रेडी रहना है। मर्दों के लिए अलग से और लेडीज़ के लिए अलग से हम उनके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं। यहाँ पे हमारा खादम यहाँ से बंदा उनके साथ जाता है और रियाज़ुल जन्ना में छोड़ के आता है उनको। उसके अलावा इस होटल के जो मसाइल है उसके लिए भी हम से रब्ता करते हैं, हम उसको फिर रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है खाने का, कमरे का, सफाई का, हम पूरा कोऑपरेट करके उनके मसाइल को हल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनको किसी किस्म का। यहाँ पे दो शिफ्टों में हम काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। हमारी नॉर्मल 6 से 6 शिफ्ट होती है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मॉर्निंग वाले होते हैं, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक इवनिंग वाले होते हैं। हम अमूमन होटल की लॉबी में बैठे होते हैं जहाँ पे तमाम लोगों को हम नज़र आते हैं कि इजीली अवेलेबल हों, वो हमें देख सके, हमारे पास आ सके, हमें बता। तो इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं जी, बहुत पसंद आए जिस तरह इन्होंने हमारी वेलकम किए, और उसके बाद रिहाइश भी बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट से यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, गाड़ियाँ खड़ी थी, बड़े अच्छे इंतज़ाम थे, वहाँ से यहाँ तक लेकर आए। फिर दूसरा ये कि यहाँ पर खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, जिस तरह मेनू है उसके मुताबिक चल रहे हैं और बहुत अच्छा मेनू बने हुए। और अगर रिहाइश की आप डिस्टेंस को देखें तो ये बिल्कुल मुत्तसिल है इसके साथ जन्नतुल बकी के साथ बैर वाली साइड पर, और यहाँ से गालबन आराम से भी आप चलें तो 5-7 मिनट का रास्ता है, 5-7 भी नहीं 2 मिनट लगते हैं बल्कि, आप वो भी सिर्फ दूसरे गेट से घूम के जाने तक, तो बहुत करीब है। और यहाँ पर इबादत में भी हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि खाने पर हम पहुँच जाते हैं फिर वापस हम चले जाते हैं हरम शरीफ में, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत यहाँ से बेहतर। और सिम का जो आपने बोले तो सिम वहाँ से ही एक्टिव कर ली थी, वो जिस दिन हम गए थे अपने पासपोर्ट वीज़ा लेने के लिए तो वहाँ पर आपके स्टाफ के बंदे ने यूफोन वालों को बोला, हमें कोई ऐसा तरदद भी नहीं हुआ, उन्होंने खुद ही इसकी सेटिंग कर दी और वहीं से हमने डाल दी, तो वो एक्टिव अभी तक चल रही है, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम मस्जिद नबवी के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और यहाँ पे जो हमारे को होटल मिले हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो अमला है उनका बहुत कोऑपरेटिव हिसाब किताब है। खाना जो भी है इसमें 3 टाइम नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज को फर्स्ट क्लास तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे स्टाफ जो है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है क्योंकि वो हाजियों को बिल्कुल ख्याल रखता है, उसका बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह। वजारत मजहबी अमूर का जो इकदाम है ये बहुत अच्छा है, कुछ सफ़र है, हज है, इसमें मुश्किलात आती हैं, सब एक जैसे लोग नहीं होते तो उसको हमने फेस करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फेस करेंगे उनको, और जो भी हमारे साथ बुजुर्गान हैं छोटे हैं बड़े हैं उनके साथ मिल के चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा मुआवन भी यहाँ पे मुस्तकिल आपके पास मौजूद हैं, कोई आपको परेशानी है कोई कुछ किसी भी काम के हवाले से आप उनको कुछ भी कंप्लेंट करें आपके फ़ौरन काम कर रहे हैं। और लगेज में भी हमें ज़्यादा देर नहीं लगी, हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो 1 से 2 घंटे के दरमियान हमारा लगेज भी पहुँच गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना का परमिट नुस्ख से हमने बाद में लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे मौजूद हैं यहाँ पर उन्होंने पहले हमें वहाँ का विज़िट करवा दिया, और माशाल्लाह मुस्तकिल वो हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, और खाना एक एक चीज़ ज़ाहिर खाने में 2 डिशें मौजूद हैं यहाँ पर, और उसके बाद मीठे में कभी फ्रूट है कभी कुछ है कभी कुछ है, तो बस ये सामने हरम है, बस ये ऊपर खिड़कियों से हरम के मीनार माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, सामने जन्नतुल बकी है, और होटल भी ऐसा नहीं कि 5 स्टार से कम हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलत होटल में मौजूद है। पैगाम मैं देना चाहूँगा सिर्फ एक पैगाम जो सुन रहे हैं भाई, अल्लाह के वास्ते मोबाइल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बाहर की तरफ करें, लेकिन खुदा रहा मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में जब हाजिरी हो तो वहाँ इसको मोबाइल को अवॉइड करें। पैगाम ये है कि क्या कहते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ है ना कम नहीं है, 99% भी नहीं 100% सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अब एज आ हम सिटीज़न एज आ हमारे वतन के और हम वतनी होने के साथ ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दूसरे वतन में हम आएँ तो हमारे वतन को हम प्रेजेंट बेहतर तरीके से करें, क्योंकि हमें यहाँ पर सब चीज़ें फैसिलिटेड हो रही हैं, इवन कि उन्होंने 900 कैप की भी हमारे ऊपर से चीज़ को हटा के हम लेडीज़ के लिए जेंट्स के लिए इतनी सहूलत कर दी, लेकिन अब हम जाके नज़म व ज़ब्त यहाँ नहीं दिखाएं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये बड़ा दिल पे लग रहा है। खाना भी बेहतरीन है, जितना खाना है उतना लें, फिर दोबारा लें, बार बार लें, लेकिन ज़ाया ना करें, क्योंकि यहाँ रोटियाँ सारे सब ज़ाया होता है, तो बड़ा दिल जल रहा है कि हम किस मुल्क से मुसलमान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हुए हमारी इतनी चीज़ों की बेहरमती हो रही है, तो गवर्नमेंट हमारी बोल रही है वो अवेल भी कर रही और है और हर चीज़ 100% है, 99% भी नहीं है, और जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट पैकेजेस में प्रोवाइड नहीं करते खाली बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इस दफ़ा 2024
2024 में आए हैं और बिल्कुल उन्होंने जो जो कहा है वो चीज़ हमें अवेलेबल बिल्कुल तरीके से की है। जैसे रूट टू मक्का बोला तो वो प्रोवाइड हुआ और हमारे लगेजेस हमें फ़ौरन हमारे होटल्स में 2.5 आवर्स में मिल गए थे। हमें तो कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी जो उज्जा जाएंगे इंशाल्लाह तो उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और बाकी ये है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे मुआविन हैं जो उनके साथ कॉपरेट करें। जैसे फ़्लाइट्स वगैरह में जो हमें बोल रहे हैं लेकिन कोई भी कॉपरेट नहीं करता। हर कोई बोलता है कि हम हमारे उससे चलें, तो हम हमारे उससे नहीं रह सकते। हमें हम हज करने आए जो मुअल्लिम कहें जो मुआविन कहें उनकी बात सुनना हम पर फ़र्ज़ की तरह है कि हम उनकी बात मानेंगे तो हमारा एक निज़ाम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज होगा। अदरवाइज़ कुछ भी बहुत अच्छा मिला है, बहुत ही अच्छा है। मैं बंदा झूठ मारे, अल्लाह पाक उन्होंने तंदरुस्ती दे, अल्लाह पाक खैर करे। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा सुधरा है, सोना होटल जो है वो होटल उंदलस है, वो जो बिल्कुल जो है ना नज़दीक है। जैसे ही हम लोग रिसेप्शन से नीचे जाते हैं तो मेरे ख्याल 50 मीटर के फासला भी नहीं है मस्जिद नबी स्टार्ट हो जाती है। और होटल का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है, खाना पीना भी ठीक है, स्टे भी अच्छा है, स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, बात सुनते हैं और किसी को कोई कंप्लेन हो तो उसको भी वो रिजॉल्व करने की बेस्ट एफर्ट कोशिश कर रहा हूँ। यही है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग आएँ हौसला करके आएँ और यहाँ पे आपको तमाम तरह फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कोई अगर कमी पेशी होगी तो आप जो रेलिवेंट बंदा है उससे रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपके जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। 10 बजे तक, 11 बजे तक, 10:30 बजे तक इसका नाश्ता चलता रहा, कमी नहीं आई। उसके बाद फिर 2 बजे खाना देते हैं, वो भी अच्छा था, चावल और दाल से जो भी आते। बहरहाल साढ़े मदीना शरीफ की जड़ी है ही बड़ी बड़ी अच्छी है, बड़ी खिदमत करते हैं। 1000 लोग आते हैं, बढ़ के लखा लोग इधर आने ने। तो ये वेखो हूँ जो बंदा कहे लो जी मैं टाइम ना नहीं मिले, मैं फलाना नहीं होया, तो ये फिर इन्हों की अपनी ना असं छानवी तीमत चाहिए ना करनी। चलो कोई नहीं गल, लाइन च लगने तरतीब ना जड़े ना असं खाना खाने, तो इंशाल्लाह इन्हों का इंतजाम ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन। खाने मशहूर ने, मैं दसो खाने का म्यार कैसा है, जायका वगैरह कैसा, पाकिस्तानी खाना है, चावल वगैरह कैसे ने पाकिस्तानी ने। देखो असं इतने कोई ए खाने के कोई चस्के लैन नहीं आए, असी अल्लाह की रहमत के नाल असी जड़ा ना इतने हरम के बेच आए हाँ, असी इबादत कर आए हाँ, असी उन्होंने राजी कराए। इतों की हर चीज़ अच्छी है, सानू जिस तरह की भी मिलेगी असी फिर भी अच्छी है, बदल है ही अच्छी है इंशाल्लाह। मदीने की जड़ी भी चीज़ है बहुत अच्छी है, बड़ा प्यार है इतने, बड़े लोग अखलाक न चलते हैं, सबर आए ने। जी साथी को यही कहूँगा इंशाल्लाह सबर के नाल चलो, अपने अपने सारा अपनी तरतीब ना जड़ा ना चलो। लखा लोग इतने आते हैं, अपनी तरतीब ना चलोगे तो कुछ भी नहीं जड़ा मामला होता। सारिया आसानियाँ अल्लाह ताला ने करनी, अल्लाह ताला ने जब बुलाया तो सारिया आसानियाँ अल्लाह ताला ने करनी ने।